हेलो, हाउ यू ऑल? दिस आर आरती मालपानी फ्रॉम टॉमकिंस। आज ऐसे करियर के बारे में बात करेंगे कि जिसमें जिसको करके आपको बहुत मज़ा आएगा, जो काम करके और साथ में आपको पैसे भी मिलेंगे। यूँ समझ लो कि मज़े भी करने हैं और वो मज़े करते वक्त ही, वो मज़े करने ही आपको पैसे मिलेंगे। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा होगा, राइट? ऐसा भी कुछ होता है? ऑफकोर्स ऐसा होता है। सो आज जिस करियर की मैं बात कर रही हूँ उसको बोलते हैं सोमिलियर। सोमिलियर ये वर्ड शायद आपने सुना होगा। सोमिलियर ये ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफेशन होता है वाइन टेस्ट करना। यस, वाइन, अल्कोहल, जो आपको हर वक्त, बहुत सारे लोगों को हर वक्त पीना पसंद होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पीना पसंद होता है, एंड बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़ा कलेक्शन भी होता है, राइट? सो आप एक उनमें से है कि जो जिनके पास कलेक्शन है या जिनको बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें टेस्ट करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में लोगों को बताना, तो ये करियर आपके लिए हो सकता है। इसका जॉब प्रोफाइल ये होता है कि आपको होटल में या रेस्टोरेंट के चेन में आपको एज अ वाइन टेस्टर काम करना पड़ता है। वाइन टेस्ट करके आपको बताना होता है कि ये कौन से फूड के साथ कौन सी वाइन बहुत अच्छी जाएगी, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो जब आपके पास वाइन का अच्छा नॉलेज है तो ये नॉलेज आप शेयर कर सकते हो, आप वाइन टेस्ट कर सकते हो और साथ में आप पैसे कमा सकते हो। इसके लिए एज सच कोई फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट आपके जब आपके पास साइंटिफिक नॉलेज होता है, बिकॉज सी वाइन इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, राइट? इसमें भी सारा केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, साइंस इन्वॉल्व होता है, तो जब आपको वो चीज़ की समझ होती है सो आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो। कुछ वाइन्स ऐसी होती है जो हेल्थ पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सो जब आपके पास ये सारा नॉलेज है और आप शेयर कर सकते हो तो आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। अब देखते हैं कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल आपके लिए हो सकते हैं और कौन सी इंडस्ट्री में। सो एज अ वाइन टेस्टर काम करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? द वेरी फर्स्ट इज 10+2, दैट इज 12th पास होना चाहिए आपने विद 45%, दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया। सेकेंड, अगर आपने बार में एज अ बार टेंडर काम किया है, आपने अटेंड किया है बार का पूरा सेक्शन, तो दैट कुड बी एड ऑन बेनिफिट। बट आप ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो गवर्नमेंट ने एक एज क्राइटेरिया तय किया है उसके बाद आप वाइन टेस्ट कर सकते हो, तो वो आपने ध्यान में रखना है, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। थर्ड इज, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको होटल में एंट्री मिलना ईजी है। अब कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स है? इंडिया में 2 वीक से लेकर 1 साल तक बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है जो कि इन वाइन स्टडीज कोर्स है। एक वाइन एंड स्पिरिट ट्रस्ट के अंडर एक कोर्स चलता है जो आपको 10 से 12 डिफरेंट वाइन टेस्ट करवाता है, उनके ये करिकुलम में इंक्लूड है। सो ये आप बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जिसकी हम बात करेंगे, उसके थ्रू आप ये कोर्स कर सकते हो। बट प्रोवाइडेड कि आपको वाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट करने में इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ में उसका नॉलेज देने में। इट्स नॉट ओनली कि आपको ये पीने वाला जॉब है, राइट? सो कहाँ कहाँ से आप सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हो इन वाइन टेस्टिंग? द वेरी फर्स्ट इज इंडियन वाइन एकेडमी दिल्ली, सेकेंड इन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइन एंड बीवरेज स्टडीज दिल्ली, देन वाइन एकेडमी ऑफ इंडिया चेन्नई, तलीहो यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली में है, उसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज। सो ये सबसे आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। अब ये कोर्स करने के बाद जब आप एज अ सोमिलियर जॉब करते हो तो आपकी सैलरी रेंज हो सकती है 10-20,000 स्टार्टिंग में, एंड दैट यू कैन मेक अप टू 50,000 to 1 lakh एज पर योर एक्सपर्टीज, एज पर योर एक्सपीरियंस, और कौन सा चेन, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा होटल आप चूज कर सकते हो। अब अपार्ट फ्रॉम सोमिलियर, लेट्स चेक आउट कि क्या क्या करियर ऑप्शंस और आपके पास हो सकते हैं एज अ वाइन टेस्टर। वन इज सोमिलियर, सेकेंड इज वाइन राइटर। एज अ वाइन राइटर, जहाँ पे आप वाइन के बारे में लिखोगे, नॉलेज शेयर करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन, उसके बारे में फन फैक्ट शेयर करोगे, ये सारा जब आप लिखोगे, आप ब्लॉग्स बनाओगे, आप उसके स्पेसिफिक राइटर, आप ये सेक्शन में राइटिंग कर सकते हो। थर्ड इज वाइन जर्नलिस्ट, या एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म होता है वैसा ही एक स्पेशलिटी वाइन में होता है। इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज वाइन क्रिटिक। जैसे फूड क्रिटिक्स होते हैं वैसे वाइन क्रिटिक्स होते हैं, एंड फूड क्रिटिक्स का तो दबदबा आपको पता है कि वो कितना फेमस होते हैं और सारे लोग उनसे कैसे डरते हैं, फूड इंडस्ट्री वाले लोग। नेक्स्ट है एज अ वाइन एंड फूड पर्सन, जो कि आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, उसके अलावा आप लिटरेचर लिख सकते हो वाइन पे, एंड ऑफकोर्स जहाँ पे वाइन सर्टिफिकेशन कोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पे इन एकेडमिक्स आप काम कर सकते हो।
सो ये सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं. सो मज़े भी करो और साथ में पैसे भी कमाओ, ऐसा वाला करियर है. प्रोवाइडेड दैट आपके पास वो पैशन होना चाहिए लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने का, एंड जब कोई भी चीज़ का आप एक अच्छा यूटिलाइज करते हो तो कुछ अच्छी चीज़ निकल के आती है. सो वाइन को आप एक अच्छा एज अ ब्लेसिंग अगर कंसिडर करोगे, उसके साथ में बेनिफिट शेयर करोगे, बेनिफिशियल इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट्स एज अ मेडिसिन और साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, तो आप एक बहुत मज़ेदार करियर अपने लिए बना सकते हो और पैसा भी अर्न कर सकते हो. फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है तो राइट मी इन अ कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. सी यू. बाय बाय.